ये किस तरह की तैयारियां दी बोर्ड पर की है? प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहे? देखिए, मुझे लगता है कि ये अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा और अभूतपूर्व दिव्यता भव्यता के साथ संपन्न होगा ये दीपोत्सव का कार्यक्रम। और पहली बार होगा कि इस कार्यक्रम में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के ग्लोबल लीडर आदरणीय मोदी जी साक्षी बनेंगे इस कार्यक्रम के। और पहली बार होगा कि यहाँ पे वशिष्ठ की भूमिका में होंगे, राजतिलक राज्याभिषेक आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। और ये भी पहली बार ही होगा कि 8 देशों की रामलीलाओं के विभिन्न कलाकारों द्वारा यहाँ मंचन हो रहा है। पहली बार है कि देश के 10 राज्यों के द्वारा रामलीलाओं का मंचन यहाँ दिया जा रहा है। और जिस प्रकार से दीपों की संख्या में, पहले हम लोगों का लक्ष्य 14 से 15 लाख दीयों का था, लेकिन जन सहभागिता, जन सहयोग, जन भावनाएं उमड़ रही हैं और लोगों को लग रहा है कि मेरा भी एक दिया भगवान राम के दीपोत्सव में उनकी जन्मभूमि पर, उनके अयोध्या में जले तो धन्य मान रहे हैं। तो विभिन्न जिलों से भी दीयों का जो सैलाब उमड़ा है, अपने आप स्वतः स्वेच्छा से लोग भेज रहे हैं। तो हम लोग 18 लाख की संख्या पार कर चुके हैं और मुझे लगता है संख्या और बढ़ने वाली है। तो ये अभूतपूर्व होगा, विश्व रिकॉर्ड हम लोग बनाने जा रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों में लगभग 3.25 घंटे के करीब वहाँ रुकने वाले हैं, चाहे वो वहाँ आसवा जी का आनंद लेंगे, सरयू तट की आरती का आनंद लेंगे, वहाँ जो कार्यक्रम का मंचन वहाँ करेंगे, राज्याभिषेक में करेंगे और 2 जगह संबोधन भी देने का काम करेंगे। ये यहाँ का कार्यक्रम होगा। मैं समझता हूँ कि एक बार पुनः अयोध्या नगरी, जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे, तो उस तरीके का वातावरण संभवतः रहा होगा, उसी की पुनरावृत्ति एक बार होती हुई नजर आएगी। त्रेता युग की परिकल्पना करते हुए लोग नजर आएंगे, न सिर्फ अयोध्या के लिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत की संस्कृति के लिए ये महान उत्सव होगा, महान अवसर होगा, जिससे हम लोग विश्व गुरु बनने की ओर एक बार एक कदम और आगे बढ़ने में अपना कामयाब होने की परिकल्पना कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी श्री राम जन्मभूमि भी जाएंगे और वहाँ जो काम चल रहा है मंदिर निर्माण का, उसको भी देखेंगे रामलला के दर्शन के बाद, तो कितना काम वहाँ पे हो चुका है? लगभग 75 फुट गहराई से नीम्स के ऊपर हम लोग 75 फुट पर ऊपर आ चुके हैं। उसका पूरा अवलोकन करेंगे, चलते हुए काम की पूरी प्रगति को भी देखेंगे, भगवान राम के मंदिर के दर्शन करके आशीर्वाद भी लेंगे। और मुझे लगता है उसके बाद रामकथा पार्क में भी रहेंगे, सरयू तट पर भी रहेंगे और सारी जगहों पर रहेंगे। और 8 बजे के बाद तक सारे कार्यक्रमों के साक्षी बनने के बाद, अपना संबोधन देने के बाद, वो वापस लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, राम मंदिर बन रहा है, और भी क्या क्या काम आप, क्योंकि पर्यटन मंत्री और सांस्कृतिक कार्य मंत्री हैं, और क्या क्या काम अयोध्या के लिए किया जा रहा है पर्यटन के लिहाज से, कहें या बाकी? वैसे तो सारे विभागों का पूरा इस समय केंद्र बिंदु अयोध्या है, सारे विभागों की सारी योजनाएं, चाहे वो पीरोडी का हो, नगर विकास का हो, नगर निगम बनाने का निर्णय पहले लिया गया, सारे विभाग यहाँ के विकास के लिए पूरी तरह संकल्प होकर प्राथमिकता पर काम कर रहे हैं। लेकिन पर्यटक विभाग की जहाँ तक बात की है, तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ जहाँ जहाँ 6 प्रवेश द्वार हैं अयोध्या के, वहाँ लगभग 10-10 हेक्टर जमीन हम क्रय करके, जो भी हमारा पर्यटक या श्रद्धालु आएगा तो उसके लिए बेसिक सुविधा बनाने का काम कर रहे हैं। हमने एक PPP के आधार पर यह भी तय किया है, PPP के आधार पर वहाँ हम संचालित कराएंगे, वहाँ पेट्रोल पंप भी होगा, LPG भी होगा, 350 रुपये में 24 घंटे रुकने के लिए गरीब यात्रियों को, श्रद्धालुओं के लिए रहने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था 350 रुपये मात्र करेंगे। और वहाँ पार्किंग की व्यवस्था होगी, अन्य जितनी भी पर्यटक सुविधाएँ वो होंगी, जन सुविधाएँ होंगी, ये 6 गेटों पर हम लोग करने जा रहे हैं। अंदर के डेवलपमेंट में अयोध्या सोच संस्थान की जो हम लोगों ने स्थापना की है, उसकी भव्य दिव्य बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। यात्री सुविधाओं के लिए तमाम होटल को, नए होटल को बढ़ाने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग नई पर्यटन नीति 2022 प्रख्यापित करेंगे, जो 2018 में हमने नई पर्यटन नीति बनाई थी पहली बार, पर्यटन उद्योग नीति के रूप में बनाई थी, उसमें तमाम जो थोड़ी बहुत मॉडिफाई करने की जरूरत महसूस की गई थी उनको मॉडिफाइड करेंगे। और पहली बार उसका लाभ इसलिए इन स्थलों को मिलेगा कि हम जो भी बड़े होटल, बड़े ग्रुप ऑफ होटल, बड़े ऑडिटोरियम बनाने वाले, बड़े इस तरह के जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के ग्रुप हैं, उनको आकर्षित करने के लिए हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे पर्यटन में, तो होटल बनाए कुछ करें, 25% उन्हें कैपिटल सब्सिडी देंगे और 5 साल का लोन पर जो भी बैंक इंटरेस्ट होगा उस पर भी सब्सिडी देने का पूरा काम करेंगे। 5 साल तक जितना भी इंटरेस्ट होगा वो सरकार रीपे करेगी।
इस तरह हम आकर्षित करने के लिए तमाम योजना बना रहे हैं, जिसमें काशी भी, हमारी अयोध्या भी, हमारा ब्रज तीर्थ परिसर का वृंदावन मथुरा भी, विंध्यवासिनी भी, नेमिसार भी, इनको बढ़ावा देने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए तमाम विश्व स्तर की टीम, विश्व स्तर के इन्वेस्टर्स उसमें आए, इसके लिए हम नई नीति नवंबर में प्रख्यापित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आकर्षण इस समय उत्तर प्रदेश के लिए है। कई देशों के लोग यहाँ जमीन आवंटन के लिए हमसे संपर्क कर चुके हैं, कई राज्यों के स्टेट यहाँ अपना पर्यटकों की सुविधा के लिए केंद्र बनाने के लिए अपने स्टेट के लिए जमीन का आवंटन करने का यहाँ हमें संपर्क कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अयोध्या डेवलपमेंट का भी हब बनेगा, पर्यटकों का हब बनेगा। और मेरा ये मानना है, और ये सच है बिल्कुल एकदम, कि कोई भी पर्यटक जब आता है तो छह लोगों को रोजी रोटी के अवसर देता है। सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला कोई विभाग है तो पर्यटन है। और हम समझते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य जो आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश का रखा गया है, उसको पूरा करने में पर्यटन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में यदि कोई व्यक्ति विदेश की धरती से आएगा तो, या देश के किसी राज्य का कोई भी पर्यटक कहीं घूमने का मन बनाएगा तो, पहली पसंद उत्तर प्रदेश उसके लिए बनेगी। ये हमारा प्रयास है और इसमें निश्चित रूप से हम लोगों ने माइलस्टोन तय किए हैं, उनको धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अगले 5 साल में बहुत बड़ा अचीवमेंट इसमें हम हासिल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।